अहम रमेश प्रसाद पाठक है, आचार्य है शिक्षा संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ हम नव दिल्ली। संस्कृत शिक्षण शास्त्र विषय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से पक्षतः आयोजित अर्पित ऑनलाइन पुष्चर्या पाठ्यक्रमे भवताम हार्दिक स्वागत। अद्य वयम वैदिक शिक्षा शिक्षण इत्यस्मिन् विषये ज्ञास्यामः। वैदिक शिक्षा शिक्षण विषय अधिगम उद्देश्यानि वैदिक वांग्मय परिचिताः भविष्यन्ति। वैदिक शिक्षायाः स्वरूप संप्रत्यम प्रयोजन विशेषतया अवगताः भविष्यामः। वैदिक शिक्षायाः शिक्षणस्य आधुनिक काले अभिज्ञानं प्राप्स्यामः। वैदिक शिक्षा शिक्षण के स्वरूप और इसके विविध प्रकार को हम जान सकेंगे। वैदिक शिक्षा की परपाटी बोध से अवगत हो सकेंगे, स्वयं अध्ययन मूल्यांकन हम करने में समर्थ हो सकेंगे। वैदिक शिक्षा शिक्षण पद्धति के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत का जो अतीत है वो वैदिक शिक्षा की गौरव गरिमा से युक्त रहा है। और वैदिक काल जो है भारत की शिक्षा मूलतः जो है हमें इसके शिक्षा का जो प्रकाश दिखाई देता है कि जीवन के हर मार्ग में सत्य का आरोहण प्रदर्शित होता है। और शिक्षा जो है ज्ञान के आधार पर प्रकाश के आधार पर लोगों में पूर्णतः यह जो है ये समर्पित थी। भर्तृहरि ने भी कहा है कि विद्या विहीन है पशु, अपने नीति शतक में कहा है जो विद्या से विहीन जो व्यक्ति होते हैं पशु के समान होते हैं। वेदों में भी हमें ज्ञान के बहुत सारे अर्थ शिक्षा के बड़े सारे संदर्भ मिलते हैं। कहा भी गया है यत विद ज्ञाने विद सत्यायाम विद विचारणे विद लाभे। शिक्षा को ही वेदों का एक अंग कहा गया है जिसका संबंध जो है उच्चारण से माना जाता है। वैदिक वांग्मय में मनुष्य के विभिन्न प्रकारों के कर्तव्यों का शिक्षा प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। और इस रूप में ऋग्वेद में आता है प्रत्यक्षेणरानुस्मृत्या वाह एस्तुपायो न बुध्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञान हर स्थान पर प्राप्त होता था। ये हमारे वैदिक शिक्षा का सबसे बड़ा हमें संदर्भ मिलता है। वेदों में लोक प्रसिद्ध है कि हमारे यहाँ चार वेद रहे हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। इन चारों वेदों के साथ हमारे यहाँ वेदांग की भी चर्चा है और वेदों में मुख्यतः शब्द प्रमाण हमें मिलता है। वेदों के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि वेद हैं वो अपौरुषेय हैं और उनमें सभी वेदों में शुद्ध प्रमाण तत्व और शरणाचार्य के द्वारा लिखित बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं। इस आधार पर वैदिक शिक्षण व्यवस्था जो थी वो श्रुति परंपरा भी थी। कहा भी गया है श्रवण मनन और निध्यासन। तो कालांतर में अध्ययन काल में स्मरणशीलता के कारण जो है इन अंगों का जो है क्षीणता का अभाव हुआ और आगे चल करके ये श्रुति परंपरा जो है धीरे धीरे लुप्त होने लगी। कहा भी गया है साक्षात कृत धर्माण ऋषियो, ये धर्मस्य उपदेशेन ये शब्द हमें मिलते हैं। अर्थात वैदिक शिक्षण में जो है कठिनाई जहाँ भी आती है वहाँ ऋषि लोग जो है लोक शक्ति सामर्थ्य के आधार शिक्षा को सरलीकरण करने का प्रयास किए हैं। वैदिक शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि वेद अध्ययन की प्रक्रिया में गुरु के मुख से जो उच्चारण किया जाता था प्रधानतः वही एक शिक्षण विधि थी। आचार्य सारण ने भी स्वर और वर्ण आदि प्रकारों के उपदेश के बारे में चर्चा की है और इनको कैसे प्रायोगिक बनाया जाए इस पर भी इन्होंने बल दिया है। वैदिक शिक्षा के बहुत सारे हमें तत्व मिलते हैं जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान की परंपरा में ज्ञान चिंतन के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण। कहा भी गया है यज्ञो वह श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं है। तो इस तरह से यम नियम का पालन करते हुए और तथा श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए मानव जो है अपने सर्वांगीण विकास की कल्पना करता था। इसके साथ साथ जो है पूरे समाज में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए जो पथ थे कल्याण के मार्ग थे, ज्ञान परक ज्ञान विज्ञान के द्वारा जो बौद्धिक पक्ष था इनके विकास के लिए व्यक्ति समाज में हमारे ऋषि मुनि और शिष्य आचार्य हमेशा संलग्न रहते थे।
क्योंकि कहा भी गया है कि संसारे अस्मिन् न तु धनस्य प्रभुत्वम न ही बुद्धे, यदि कस्या प्रभुत्वम विद्यते तत तु चरित्रस्य एवं पवित्रताया वर्तते, चरित्र से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए वैदिक परंपरा में हमारे शिक्षण विधि में जो है चरित्र के उन्नयन पर विशेष बल दिया जाता था, शुद्ध चैतन्य बुद्धि परिकल्पना के साथ साथ जो है हम कैसे ज्ञान को लें। कहा भी गया है भद्रम बद गृहेषु च भद्रम बद पुत्रैः गुरोः सानिध्यम प्राप्य शिष्यः वेदाध्ययने प्रवृत्तः भवति अस्म शिक्षेयम् दानम दयामिति, ये हमारे वेद के शिक्षा बल्ली में आया हुआ है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को ये दिया गया है कि कैसे हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए और पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन कैसे उपयोगी बनाएगा, यह पूरी शिक्षा की विधा में बात सम्मिलित की गई थी। कहा भी गया है बिना ज्ञान से विद्या प्राप्त नहीं होती है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, महाभारत में आया है कि ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्त नहीं हो सकता है। अमृतस्य प्राप्ते विद्याया मुख्यम लक्ष्य मन्यते, विद्या के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। दूसरा आता है विद सत्यायाम, ज्ञान एवं शक्ति के स्वरूप का सर्जन जब होता है तो मानव जो है सत्ता हेतु प्रेरित होता है, प्रयत्न करता है और एक पूरे इस संसार में जो भी सृजनकर्ता के द्वारा दिया गया है जड़ चेतन इत्यादि चीज़ें सन मार्ग पर जो है वो प्रवृत्त होता है अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, और उसी से उसको मानसिक शांति मिलती है और अपना उत्थान होता है। विद लाभे वेद पुरुष विद लाभे धातुम स्वयं समाहितम कृत्वा, इसके बारे में कहा गया है कि वैभव प्रधानता कैसे प्राप्त हो, विकास की श्रृंखला कैसे प्राप्त हो, धन प्राप्त करके विद्या कला कौशल धन द्वारा पुत्र पौत्र आदि लोक आदि प्राप्त की कैसे इच्छा करना है, ये भी एक धर्म सम्मत की बात कही गई है। विद्या बंधते विद्या, कहा भी गया है ईशावास्य उपनिषद में कि विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो भी बातें हमें कही गई हैं सब धर्म के आधार पर कहा गया है, और ये कहा गया है कि इसी जीवन में हमें पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए। वयम श्याम पतयो रईणाम स्वाहा, ये बात कहा है, बिना ऐहिक परमार्थ के सुख प्राप्ति संभव नहीं है। विद्या के अभाव में न तो सुख मिलता है और न सुख की अनुभूति की जा सकती है, इसलिए ज्ञान परम आवश्यक है। वैदिक शिक्षा में ज्ञान पर, अध्यात्म के प्रशिक्षण पर, आचरण की शिक्षा पर और विद्या के साथ साथ शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास पर बल दिया गया। विद विचारणे में जो है बुद्धि कामना और सफलता की बात कही गई है कि पाप पुण्य का भेद जो है कि यह तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में यह उक्ति आई है जिसमें ज्ञान कांड के मुख्य लक्षण इसमें अध्यात्म विद्या की चर्चा की गई है। विद्या के अभाव में भी वही बात है कि हमें बिना इसके आधार पर बिना सुख मिल सकता है न ज्ञान मिल सकता है। वैदिक शिक्षा का जो मुख्य तत्व था वह ज्ञानपरक चिंतन, विद्या के अभाव में सुख प्राप्त करना, सुख के आधार पर ज्ञान परम आवश्यक माना गया है, और जिसमें वैदिक शिक्षा के मुख्य तत्व पे ज्ञानपरक चिंतन अध्यात्म पर विशेष बल दिया गया है। विद्या के ही आधार पर शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास किया जा सकता है और वैदिक शिक्षा प्राप्त करके ही हम परम आह्लादित जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से वेदों में हमें बड़े सारे शिक्षा के प्रयोजन मिलते हैं, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, भर्तृहरि कह रहे हैं कि ज्ञान से हीन जो है वो पशु की तरह व्यक्ति होता है, इसलिए शिक्षा का प्रयोजन यह है सर्वांगीण विकास कैसे प्राप्त हो, सर्वांगीण विकास के लिए है ज्ञान की प्राप्ति। व्यक्तित्व विकास पर भी जो है बल हमारे वैदिक शिक्षा शिक्षण में सत्यम शिवम सुंदरम की अच्छी कल्पना की गई है। सत्य जो है वही कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है, यह हमारे शरीर के अंगों के विकास पर, मानसिक स्थूल सूक्ष्म अनेक शक्तियों के विकास पर यह बल देती है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास जो है कैसे होगा, इसके बिना मानव का व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध हो जाता है। आचरण की शुद्धता पर भी बल दिया गया है, आहार विहार का पालन कैसे किया जाए, व्यवहारिक जीवन में हमें कैसे रहना है, गुरु की सेवा कैसे करनी है, शौच क्रोध पर कैसे हमें नियंत्रण करना है, ये सब तैतृय उपनिषद में बहुत इसका विचरण आया है।
और हमें आचरण कैसा रखना, शुद्ध आचरण का संचार कैसे करना है, मतलब जो आचार से हीन व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जप, पूजा, पाठ आदि के लिए इस पर बल दिया गया। आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर भारतीय वैदिक शिक्षण विधा में आध्यात्मिक भावना के वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। कहा भी गया है यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो आत्मशुद्धि के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया। शारीरिक संपुष्टता पर भी शरीर, मन और हृदय के समाहार पर ही का मानव जीवन अस्तित्व स्थित है। इसलिए भी कहा गया है कि अगर मानव का पूर्ण विकास आध्यात्मिक विकास है तो शरीरवाद खलु धर्म साधनम, इस पर बल दिया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ें जो है हमारे शरीर की संपुष्टता पर भी निर्भर करती है। अनुशासनात्मक जीवन, वैदिक कालीन शिक्षण में अनुशासनमय जीवन पर विशेष बल दिया गया है कि कैसे सत्निष्ठ हमें अभिव्यक्ति करें, धर्माचरण अनुरूप आचार विचार व्यवहार, तपश्चर्या, अनुशासित जीवन कैसे जिए हम, इन पर विशेष बल दिया गया है। सामाजिक विकास पर भी बल दिया गया है कि समाज में रहने के लिए हमें कैसे दूसरों के हित के लिए कर्तव्य करना है। राष्ट्र अनुराग की बात कही है, विश्व माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, हमारे वैदिक संकल्पना में इस पृथ्वी को माता कहा गया है और हम उस पृथ्वी के पुत्र हैं। हमें कैसे पृथ्वी को जो है बचाना है, वो इनको कैसे साथ ले, ये बहुत बड़ी शिक्षा की बात है कि राष्ट्र की हमारी सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर होना चाहिए। वैदिक शिक्षा प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं मिलती हैं हमें। इसमें वेद, उपनिषद, शिक्षा, शिक्षार्थी, सत्य के सिद्धांत, ज्ञान, विशेष रूप से योग शास्त्र की बड़ी सारी हमें विधाएं मिलती हैं। हमें कैसे साधक के रूप में जो है जीवन यापन करना है। हठ योग प्रदीपिका में भी हठ योग के 7 अंगों का वर्णन मिलता है। खटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, आज समाधि, ये सब हमें अष्टांग योग मार्ग में मिलते हैं। ये भी हमारे वैदिक शिक्षा की विशेषता रही है। राजयोग, योग साधना का भी चर्चा मिलती है हमें। और पतंजलि अष्टांग योग सूत्र में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी हमें मिलते हैं कि इनका पालन करके हम कैसे मोक्ष की ओर जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं और सार्वजनिक जीवन में हम सर्वजन कल्याण के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के साथ साथ ये भी है, गृहस्थ जीवन में भी रह करके हम कैसे हम ज्ञान से अपने को समुन्नत कर सकते हैं। शंकराचार्य ने भी और मधुसूदन ओझा ने भी वैदिक विज्ञान की स्थापना के द्वारा बहुत सारे संस्कार विज्ञानों पर चर्चा की है। वैदिक शिक्षा का प्रभाव हमारे समसामयिक जीवन पर, आधुनिक समाज पर भी पड़ा है और यह है भारत के वैश्विक चिंतन के ही कारण आज विश्व जो है वैदिक शिक्षा के प्रभाव को देख रहा है। शिक्षा को द्विमुखी, त्रिमुखी और सत्यम वद धर्मम चर का जो संदेश है ये आज भी है, सर्वमान्य है। वैदिक शिक्षण में जो है शिष्य जो है गुरु से जिज्ञासा के आधार पर प्रश्न करता है तो और उनका उसके आधार पर वैदिक शिक्षण की स्वीकृति मिलती है। वैदिक शिक्षा शिक्षण में आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचन, शुद्धोच्चारण, काठिन्य निवारण, प्रश्नोत्तर संबंधी कौशल, ये सब वैदिक शिक्षा की विशेषताएं रही हैं। आधुनिक समाज में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारे जो हमें नई नई शिक्षण पद्धति हैं उन्होंने इससे अनुकरण किया है। कर्म के प्रत्येक मार्ग पर भगवद गीता का भी संदेश है कि कर्म भावना श्रेष्ठ जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। यही हमारी वैदिक शिक्षा का आधारभूत है। वैदिक शिक्षा शिक्षण के कुछ बिंदु हैं। आचार्य उपनयन संस्कार के बाद जो है शिष्य को स्वीकार करता है। आचार्य है शिष्यानाम नाम एवं पृक्षत स्मः, ये आता है हमारे यजुर्वेद संहिता में। उपनयन संस्कार के बाद जब शिष्य का प्रवेश हो जाता है उसके बाद से फिर शिक्षण की प्रक्रिया कैसे चलती है इसका पूरा उल्लेख हमें यजुर्वेद संहिता के 7 अध्याय में मिलता है। और इसके साथ साथ जो है कैसे वह प्रकृति का ज्ञान, कैसे तपश्चर्या, गुरु भक्ति, गुरु निर्भर शिक्षण, सर्व विद्या प्राप्ति संकल्प, सदाचार, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ये सब प्राप्त किया जाता था। वेदों के आरंभ में भी बहुत सारे शिक्षण का हमें वर्ण मिलता है। और इसके साथ साथ जो है कैसे कालांतर में तपोवन में रहना, ऋषियों को आश्रम व्यवस्था के लिए, कुटीर निर्माण, पांडुलिपि का शिक्षण का समय, ये सब हमें बहुत सारे और पुराने विश्वविद्यालय इसके हमारे प्रमाण हैं, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये सब यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी।
वैदिक संदर्भ में शिक्षा का जो है आचार्य के द्वारा शिक्षा कैसे प्राप्त करना था, पिता के द्वारा संतान का शिक्षण, और तृतीय जो है स्वमेव शिक्षण, ये हमें उल्लेख मिलते हैं। तो इसमें है ब्रह्मचारिणी स्वाहा, विमानत ब्राह्मचर्य स्वाहा, ये हमें प्रमाण मिलता है। पिता के द्वारा संतति जो है विद्या विद्यालय में गुरुकुल में प्रवेश कराता था, और गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद शिष्य जो है उसको पुत्रवत जो है आत्मसात करके वो विद्या का ज्ञान कराना, शिक्षण की प्रक्रिया पूरी चलती थी। इसी के साथ वैदिक संदर्भ में हमें शिक्षण के और भी ऋचाओं के शिक्षण हमें प्राप्त होते हैं। पतंजलि के महाभाष्य में अध्ययन के प्रकार का हमें दर्शन होता है। आगम काल में, स्वाध्याय काल में, प्रवचन काल, व्यवहार काल, ये बहुत सारे हमें शिक्षण के स्वरूप निर्धारित होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें शिक्षण के और सब में है कि कैसे हमें आज्ञा का पालन करना है, समाज की रक्षा करनी है, राष्ट्र का संरक्षण करना है, पशुपालन, वाणिज्य कर्म आदि सब मिलता है। वैदिक संदर्भ में बहुत सारे शिक्षण विधियों की संकल्पना मिलती है। इसमें प्रत्यक्ष विधि मिलता है। प्रत्यक्ष विधि में ऋषि साक्षात जो है वह गुरु के रूप में जो है शिष्य को शिक्षा ग्रहण कराते थे, जिसका उल्लेख हमें निरुक्त के अध्याय में हमें मिलता है। दूसरा है संभाषण विधि। संभाषण विधि में जो है आपस में तत्व ज्ञान के लिए परस्पर प्रश्नोत्तर संवाद विधि होती थी। तीसरी जो है प्रहेलिका विधि में मंत्रों की बड़ी सारी प्रहेलिकाएँ दी जाती थी। व्याकरण शिक्षण में, यज्ञ शिक्षण में इनका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि है, वेद मंत्रों में प्रश्नोत्तर विधियों का भी वर्णन मिलता है। वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति की बहुत सारी विशेषताएं हमें मिलती हैं कि यह जीवन के प्रत्येक पक्ष में, व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास में, बालक के शरीर मन और बुद्धि अध्यात्म इनके विकास में, गुरु गृह प्रणाली के साथ साथ जो है जीवन में कैसे उसे आगे बढ़ना है, इन सब कर जो है लोक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण अभ्यास आचार्य के द्वारा ये हमें प्रमाण मिलता है। इसलिए कहा भी गया है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर है। ये पूरा एक विधा बताई गई कि परस्पर आपस में मिल करके शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे। शिष्य जो होता था गुरु के कुल का वो सदस्य बन जाता था। साथ साथ शिक्षण अभ्यास में जो है उच्चारण पर बल दिया जाता था। सत्र प्रणाली चलती थी, श्रावणी पूर्णिमा से शुरू होता था। कठोर अनुशासन की व्यवस्था थी। पूरी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो संस्कृत में दी जाती थी और मन, वचन और कर्म की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। इस आधार पर निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा शिक्षण की जो पद्धति थी, जिसको कहते हैं हमें सर्वोपरि अवस्था में थी, लेकिन आज हमें उन तत्वों को लेने की आवश्यकता है। हम आज भी वैदिक शिक्षा शिक्षण के बड़े सारे जो विधियाँ हैं, जो उपागम हैं, उनको लेकर के मन, वचन, कर्म के आधार पर अध्यात्म के साथ साथ हम एक मानव का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में हम बहुत कुछ बना सकते हैं, मनुष्य बनाने के लिए जरूर है कि हमें अध्यात्म और वैदिक शिक्षा शिक्षण के बताए गए पथ को ही का अनुकरण करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया वैदिक शिक्षा शिक्षण भारतीय समाज के लिए आधारभूत मार्गदर्शिका है, और इसी आधार पर रह करके हम वेद के उस वाक्य का भी स्मरण कर सकते हैं जिसमें कहा गया है मनोर्भव। हम बहुत कुछ बना रहे हैं लेकिन मानव नहीं बना पा रहे हैं, तो मनोर्भव के लिए आवश्यक है वैदिक शिक्षा शिक्षण के आधार बताए गए जो निर्देश हैं उनका हम पालन करें। आज जो है ये वैदिक शिक्षा शिक्षण का हमें आशा है, नहीं विश्वास है कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद निस्संदेह रूप से वैदिक शिक्षा शिक्षण के विमर्श के लिए और इससे आप लाभान्वित होंगे, और भविष्य में आप निश्चित है कि आप इनको और पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद है।